राम राम साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा। हम हैं एसडी स्कूल, जो पुरानी बिल्डिंग है। आज जो एक श्याम शहीदों के नाम जेसीआई सेंटर ने यह प्रोग्राम करवाया है, लगभग कई सालों से प्रोग्राम कर रही है, और हम आपको लोगों से बात कराएंगे। आज जो ये लगातार कई सालों से अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं शहीदों के नाम, इनसे बात करेंगे की टीम के पास, क्योंकि ये 24 साल से एसडी स्कूल पर एक श्याम शहीदों के नाम। तो ये आज का दिन है, आज की श्याम है, शहीदों के नाम है। प्रधान जी हमारे साथ हैं, इनसे करते हैं बात और ये बताएंगे आज ये कितने समय से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी नमस्कार, सभी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। हम पिछले 24 साल, ये 24वां हमारा जो है एक श्याम शहीदों का नाम कार्यक्रम है। इसको सबसे पहले हमारे ये आई कि आजकल के बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बिल्कुल खत्म होती जा रही है। इसको जागृत करने के लिए स्वतंत्रता दिवस से पूर्व की संध्या के अंदर हम ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के ग्रुप डांस कंपटीशन होता है, जिससे बच्चों के अंदर देश भावना आती है। सभी जो दर्शक होते हैं उनको हमारे देश के भावना के बारे में पता चलता है, हमारे देश के शहीदों को नमन होता है, हमारे जो पूर्व सैनिक है उनको नमन होता है। तो प्रधान जी, क्या मैसेज देना चाहोगे आज जो आजकल के यूथ नशे में हैं, काफी लोग नशे के शिकार हो चुके हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस एक दिन श्याम शहीदों के नाम के? उनको मैसेज देना चाहूंगा, ये हमारा देश इतने कुर्बानियों के बाद, इतने वर्षों की गुलामी के बाद बड़े मुश्किल से हमें आजादी मिली है। ये उन्हीं का षड्यंत्र है कि हमारे देश के अंदर नशा की खोरी कर रहे हैं हमारे युवाओं को। सभी को एक कोशिश रहेगी, सभी से निवेदन है, उस षड्यंत्र को तोड़ना है हमें, और हमारे जो शहीदों ने जो हमारे लिए बलिदानी दी है उसको जो हमें इस खुली सांस के अंदर रहने के, हमें खुली सांस इस पवन को दिया है, इसको हमने कामयाब रखना है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात पर है कि हम इस खुली सांस को, खुले वातावरण को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। धन्यवाद प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार। जो आज आप लोगों ने 24वीं साल ये एक श्याम शहीदों के नाम रखी है, इसके बारे में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जीन सेंट्रल जेसिस का कि आज मेरा सौभाग्य है, उन्होंने आज मुझे जो है आमंत्रित करके जो ये एक शोभा बख्शी है मुझे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 24 सालों से कोई संस्था लगातार शहीदों की याद में ऐसे प्रोग्राम करती आ रही है। मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज की समय में जो हमारी आने वाली जनरेशन है, क्या उनको परोसा जा रहा है, हमारे शहीदों ने हमारे लिए क्या किया, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिसके लिए ही ये संस्था दिनत काम कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है, आने वाली जनरेशन को क्या परोसा जा रहा है? आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए, टीवी सीरियल में देखिए, कहीं भी आपको शहीदों की उन कुर्बानी को याद दिलाने के लिए कोई भी सीरियसली एफर्ट नहीं किए जा रहे। हमारी आज की युवा पीढ़ी सरासर कहीं ना कहीं अपने पथ से भटक चुकी है, नशे की इतनी गंदी लत लग चुकी है, मुझे कहते हुए शर्म आती है। हम लोग कई बार अपने सर्कल में बात करते हैं, स्कूल में बात करते हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल तक हमें बताते हैं कि आज 6वीं 7वीं कक्षा के बच्चे भी लव अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। ये हमारे दुर्भाग्य है हमारे इस समाज का। अगर इस समय इस संस्था के ऐसे प्रोग्राम्स की बदौलत अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने उन वीर शहीदों की अगर कुर्बानी की अगर थोड़ी सी भी अगर हमें याद दिला पाए और कहीं ना कहीं उनको उनके उस बलिदान की जो महत्ता है उसके बारे में अगर बता पाए, तो शायद मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई काम होगा। और ये एक सकारात्मक पहल है, मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारा लक्ष्य है। आज की युवा पीढ़ी के पास उसका लक्ष्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टोटली बिल्कुल भटक चुकी है। अगर इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को प्रेरित करते हुए अगर किसी भी तरह से युवा पीढ़ी के अंदर थोड़ा सा भी जोश जगता है और वो लोग अपने लक्ष्य निर्धारित करके और अगर वाकई में समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए आगे आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के द्वारा ये काम किया गया है ये सार्थक हो जाएगा। तो मैं जीन सेंटर जीसीस और उनके प्रधान मनीष सिंगला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वाकई में ये जो उन्होंने प्रोग्राम होस्ट किया है काबिले तारीफ है, और आज इनका जन्मदिन भी है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। थैंक यू सो मच। न्यूज़ हरियाणा की तरफ से आपको जन्मदिन की लाख लाख बधाइयां सर। धन्यवाद। और आपकी टीम ने जो बड़ा बहुत वो करेंगे ये आज है ना, बड़ा मतलब बड़ा इवेंट होगा और वो देखते रहिए भाई साथियों। आज यहाँ पर जेसीआई ने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया है,
मेरे ख्याल में प्रधान जी का जन्मदिन भी है, और ये तो शायद आपके जन्मदिन पे तो नहीं करवा रहे आप इस तरह प्रोग्राम? नहीं नहीं नहीं, जन्मदिन पे कोई नहीं है, ये इत्तफाक है, इत्तफाक है कि ये शनिवार है। 15 के लिए शहीदों के शहादत का लगेंगे हर साल मेले, शहीदों के मरने मिटने पर यही आखिरी। यही मैं आज आपको एक और आश्वासन दिलाता हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, बट आज जो ये एक शाम शहीदों के नाम है, अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, तो हमारा ये प्रोग्राम करने का कोई साथ नहीं। इसके लिए भाई प्रधान जी ने कहा कि भाई आज रोंगटे खड़े करने वाला प्रोग्राम दिखाएंगे, और हम पब्लिक भी, पब्लिक से भी व्यूज लेंगे इसके, क्योंकि पब्लिक भी यहाँ काफी तादाद में पहुंची हुई है, बड़े बच्चे बूढ़े जवान सारे यहाँ पहुंचे हैं, सबकी सबसे बात करेंगे एक शाम शहीदों के नाम। तो देखते रहिए न्यूज हरियाणा। हम हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है, कि मानव की बंधुता भावना राष्ट्रों की प्रभुसत्ता से परे है, कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा ही हो सकती है, कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए, कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है, और कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। जय हिंद, जय जय श्री। एक शाम शहीदों के नाम जींद जेसीआई सेंट्रल के ने आज प्रोग्राम रखा है एसडी स्कूल पर, और ये लगातार 24वां साल, यानी कि आज 24 साल हो चुके हैं इसको, क्योंकि शहीदों को याद करना, जिसने अपनी जान देकर अपनी कुर्बानी देकर हम आज आज़ादी दिलाई, वो आज जेसीआई सेंट्रल ने काम किया है, उनको नमन करने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया। तो यहाँ पब्लिक बैठी है, उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया। तो ये जो एक शाम शहीदों के नाम, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यहाँ पे मतलब ये जींद सेंट्रल का जो प्रोग्राम है, मतलब काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, मैं इतना छोटा बच्चा था तब से एसडी स्कूल में स्कूल के बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया अपने स्कूल की तरफ से, और ये बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन देता है कि हम अपने देश के लिए एक दिन अपने शहीदों के नाम जो कर पा रहे हैं, उसको काफ़ी बच्चों में इंस्पिरेशन लाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज जो एक शाम शहीदों के नाम, क्या मैसेज देना चाहोगे आप युवाओं को, क्योंकि आजकल है ना युवा नशे की जत में है, तो उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे आज? क्या बताऊं सर, बस यही कहना चाहेंगे कि एक शाम शहीदों के नाम में बच्चों को इनवाइट किया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे, इससे बच्चे एक्टिव बनेंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा उनको। मेनली ये प्रोग्राम शहीदों को जो होते हैं, शहीद जो, हाँ जी, 24 साल से जेसीआई सेंट्रल प्रोग्राम करवा रही है, तो आप लोग कंटिन्यू आ रहे होंगे इस प्रोग्राम? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। राम राम साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा, हमारे साथ हम हैं आज एसडी स्कूल पर, जहाँ एक शाम शहीदों के नाम। तो साथियों आज हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं वहां पर, जैसे आपने पता है कि आप कितना फेमस नाटक है जो आप घर पर देखते हो, बिल्कुल पारिवारिक नाटक कह सकते हैं उसको, कुणबा धर्मे का। तो उनमें सर का क्या रोल है, क्या मतलब इनका नाम है, हम जानना चाहेंगे। आज हमारा इत्तफाक से इनसे मुलाकात हुई है, तो हम करते हैं इनसे बात। जी नमस्कार। नमस्कार, हरियाणा पे मेरी आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ सर, तो आप हम करते हैं आज शाम एक शाम शहीदों के नाम जी। तो उसके बारे में युवाओं को क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, इस तरह के आयोजन देशभक्ति से उत्प्रोत होते हैं, और वो आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली नस्लों में जो हमारी परंपरा रही है पुरानी, चाहे विक्टोरिया क्रॉस जीते हमने, परमवीर चक्र हो, महावीर चक्र हो या वीर चक्र हो, हमेशा गौरव तो था शहीद हरियाणा से था। इस तरह की परंपराएं हमारे उसमें रहेंगी, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा मस्तिष्क के ऊपर, कि वो देश के लिए जान न्योछावर कर दें। अगर देश को कहीं भी उनकी जान की जरूरत है तो बेहिचक वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार। ये शानदार काम जींद की जेसीआई सेंट्रल का दोबारा किया गया, इसको क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लगा, मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ, कि विशेष देशभक्ति के से उत्प्रोत और इतनी सारी टीमें, इतना जज्बा उन बच्चों के अंदर था,
और बहुत तैयारी के साथ 24 साल से कर रहे हैं सर, 24 साल से बहुत बधाई के पात्र हैं सारे की सारी टीमिंग की। और जिस तरह की व्यवस्था की गई है, खाने की हो, बैठने की हो, स्वागत की हो, बहुत अच्छा, एक से एक बढ़िया कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुए। बहुत सालों से जजमेंट में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ये एक अलग तरह का कार्यक्रम था, पूरी तरह से अब रोम रोम पुलकित हो जाता है इस तरह का। धन्यवाद सर। जैसे आपने किरदार करते हो आप कुंभा धर्म का जी, तो अपने किरदार के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं निभाता हूँ मांगेराम, इस तरह का पात्र है जो बहुत ही सुलझा हुआ है, खेतियर है और अपने काम से काम रखता है। जब भी कोई जरूरत पड़ती है धर्म में, क्योंकि प्रधान है, लेकिन फिर भी मांगे के प्रति उसका जो इस तरह का स्वभाव है, जो जब भी कहीं उलझता है तो मांगे से सलाह लेता है, मांगे उसको ठीक सलाह देता है। और वो अपने परिवार का या गांव का एक ऐसा पात्र है जो कि एक पूरी तरह से हरियाणवी परिवेश में रचा पचा है, और जब भी कोई जरूरत होती है धर्मे को सलाह की तो मांगे के पास आता है, मांगे उसको सलाह देता। तो सर जैसे कि पारिवारिक नाटक तो वैसे तो बहुत ही कम आते हैं, फूड आजकल टीवी पे ज्यादा परोसा जाता है, उसको लेकर क्या कहोगे? बस वो दोनों बातें हैं, अच्छी फिल्में इसलिए नहीं बनती कि दर्शक उस तरह की गंदगी देखना चाहते हैं, उनका आरोप है और दर्शकों का आरोप है कि हमें देखने को यही मिल रहा है। तो वही आप, वही आप, बात हरियाणवी में है कि एक से एक फुहड़ आप देखेंगे कि तो उनको बंद करना पड़ेगा, चाहे आप अकेले भी हो, खुद से ही शर्मा जाते हैं। इस तरह की प्रस्तुतियां हैं और वो थोड़ा सा नाम तो बहुत ही प्यारा नाटक है, बहुत ही अच्छे एपिसोड आते हैं, आप देख सकते हो, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और सर का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत समय से समय निकाल कर हमें दिया। तो पूरा उम्र मेरी पूरी उम्र मीडिया में ही गई, मैं डायरेक्टर था आकाशवाणी रोहतक और कुरुक्षेत्र में, लगभग 20 किताबें हैं, पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड, पंडित माधव प्रसाद मिश्र अवार्ड, यानी कि साहित्य में भी, संस्कृति में और कृषि में भी, तीनों स्टेट अवार्ड भगवान की दया से मुझे मिले। तो मैं अपने लगातार एक कर्मयोगी की तरह से लगा रहता हूँ, लोग उसको पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, कुछ कमियां होती हैं बता देते हैं तो भी अच्छा लगता है कि उन कमियों को हम दूर करें। तो सर आपने बताया, इतनी बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सर के एक बार चरण छूना चाहता हूं, भाई मेरे सीनियर भी हैं क्योंकि मीडिया में। हाँ, तो कलाकार साथी, कलाकार ना, कलाकार कभी बूढ़ा होता है ना बच्चा रहता है, हम साथी हैं बराबर। आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा और आपका स्वागत है न्यूज हरियाणा में। तो हम इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, आप यहाँ पे क्या प्रमोशन करने आए हो? हम डांस करने आए हैं। कौन से संगीत पे आप डांस करना चाहते हैं? हरियाणा एक, हरियाणवी एक, एक हरियाणवी एक। और आपको मतलब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे प्रमोशन? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपने पहले भी कई बार किया है? नहीं, हम पहली बार आए, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हाँ जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ। आपका क्या नाम है? प्रिया। ओके। और आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, जो ये प्रमोशन रखा है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका हमारा ऐसा प्रोग्राम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आने का मौका मिला। चलो साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा, हमारे साथ ये आज एक शाम शहीदों के नाम ये बच्चे आए हुए हैं, किस स्कूल से हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। कैसे हो बेटा? अच्छे। क्या नाम आपका? रिंकी। तो कौन सा गाना बाज पार्टिसिपेट करना? हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बेटा क्या नाम है? ज्योति। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास। स्कूल कौन सा बेटा? गवर्नमेंट हाई स्कूल। आपका नाम क्या? तमन्ना। तमन्ना बेटा क्या कर कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। अच्छा, डांस आज आप कैसा दिखाओगे? हम बिल्कुल अच्छे से डांस करेंगे, हरियाणवी परफॉर्मेंस। फर्स्ट ट्रॉफी आप सभी लेके जाना चाहोगे? हां सर। मैं आज ये बच्चे लेके जाएंगे फर्स्ट प्राइज। और भारत माता की जय। अच्छा, नाम बताओ और मैडम का स्कूल का नाम बताओ। गवर्नमेंट हाई स्कूल जीन जंक्शन। तो भाई ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जीन जंक्शन के बच्चे हैं और आज ये पहला प्राइज पाने के लिए बेताब हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हाँ जी। दुनिया में हो रहा नाम हमारे हरियाणे का, हे रे 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 सारे आड़े ते बढ़ गया मान हमारे हरियाणे का, हरियाणे ते बढ़ गया मान हमारे। कहता सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उसके साथ देख दो टैलेंट, देखो बच्चों का, और आज इनका टैलेंट हम लाइव दिखाएंगे न्यूज हरियाणा और हरियाणा भूमि न्यूज पर। तो आप साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम अन्य लोगों से भी और अन्य टीमों से भी बात करेंगे। आ जाओ उधर। तो आज
सभी बच्चे देखो पूरा ग्राउंड भर चुका है और काफी लोग आने लग रहे हैं। हम लाइव करेंगे इसको। हमारे छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे याद कर रहे हैं, बड़े गौरव से ये गाथा गा रहे हैं और आजादी का मेन उद्देश्य यही है कि इसमें हम स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें, अपना विकास कर सकें। आज इस प्रांगण में ये जो जींद एसडी स्कूल है, सभी एक जाना माना स्कूल रहा है और यहां से बहुत लोग बाहर भी गए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी बने। अब मैं एक चीज का आह्वान करना चाहता हूं आप सभी, तीन नंबर तीन में और शहीदों के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, न सर झुका है कभी और न झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पर जिए सच में जिंदगी वही है, हर दम साथ चले वो जज्बा है, तेरे लिए जो जान कुर्बान कर देंगे, ये कसम ही सही, ये कसम ही सही। बहुत रूप में है तीन नंबर तीन, हमारे बीच में विशेष रूप से पहुंचे हैं श्री महावीर कंप्यूटर जी। एक शाम शहीदों के नाम, आज इस गुड़िया रानी ने पहला फर्स्ट प्राइज जीता है, इसको कैसा लगा? इनके टीचर भी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे इनके बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो सर मैम स्कूल का नाम बताएं। मैं आधारशिला पब्लिक स्कूल से श्रीमती अंजू सिहाग, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्कूल ने आज फर्स्ट प्राइज पाया है, कैसा मतलब महसूस किया आपने? सर वैसे तो ये उत्सव ही बहुत ज्यादा खुशी का है, लेकिन खुशी दोगुना हो जाती है अगर ऐसी उपलब्धि बच्चे लेकर आए साथ में, तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, उनसे भी ज्यादा इनको तैयार करने वाले अध्यापकों को। धन्यवाद बेटा, अच्छा लग रहा है आज। हाँ। आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेवेंथ क्लास में पढ़ती हूँ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज। बेटा क्या नाम आपका? श्री। तो बेटा आज आप लोगों को ये नाम मिला, कैसा लगा? अच्छा लगा। सर आज एक शाम शहीदों के नाम, क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? सर मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जो सिपाही हैं जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, उनसे हम कुछ सीखें और उनके रास्ते पे चलने की कम से कम एक कदम उस पे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत सारे युवा हैं जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, नशे वगैरह करने लगते हैं, तो उनसे कुछ सीखें जो हमारे लिए हमारा देश छोड़ के गए हैं और आज भी कुछ प्रहरी हमारे लिए जो खड़े हैं उनकी तरफ देख के कम से कम हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएं। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। धन्यवाद। आज की शाम शहीदों के नाम क्या कहना चाहोगे? सर हम तो यही प्रेरणा देते हैं कि ऐसे ही बच्चे अपने आगे बढ़ चढ़ के काम करें और देश के लिए कहीं नाम रोशन करें। धन्यवाद। आधारशिला स्कूल
जिन्होंने आज पहला इनाम प्राप्त किया एक शाम शहीदों के नाम। जेसीआई सेंट्रल ने ये प्रोग्राम रखा था एसडी स्कूल में, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं और दिल से इनको बधाई देते हैं कि बच्चे इसी तरह आई साल फर्स्ट प्राइज जीते। तो देखते रहे न्यूज हरियाणा, हम करेंगे अन्य टीम से, ये सेकंड बहुत ही बड़ी ट्रॉफी जीती है, हम जानना चाहेंगे इनको ट्रॉफी पाकर कैसा लगा। और सर भी हमारे साथ हैं, इनकी मेहनत आज रंग लेके आई है, फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, पहले तो सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम दीपक डायमंड। सर स्कूल अपना कौन सा है? स्कूल है सर इंडस पब्लिक स्कूल, और आज सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज लिया, और इतना ही नहीं लगातार तीन साल से जीत रहे, तो हैट्रिक बनाई है इंडस पब्लिक स्कूल ने। भाई ये बहुत ही बड़ी बात है, इंडस पब्लिक स्कूल ने हैट्रिक बनाई, यानी तीसरी बार फर्स्ट प्राइज जीता है। हम कामना करते हैं कि जो 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी वो उसमें भी ये फर्स्ट प्राइज जीते। हाँ बेटा, कैसा लग, क्या नाम है आपका? ऋषिका। कौन सी क्लास में? प्लस टू कॉमर्स। तो बेटा कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज, ट्विंकल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 2022 में भी आपने पार्टिसिपेट किया था या फर्स्ट? नहीं फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम। सर ये शिता, और सर बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रॉफी जीती है ऐसे इस लेवल पे, बहुत अच्छा। एक इससे बड़ी ट्रॉफी मेरे न्यूज हरियाणा, मेरा न्यूज हरियाणा चैनल है, और वहाँ हम आपसे प्यारे प्यारे बच्चों को टैलेंट देखते हैं, जिसके अंदर जैसा भी अच्छा टैलेंट होता है हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और मैं आपके स्कूल में जरूर आऊंगा और वही आपको इससे भी बड़ी ट्रॉफी देने का काम करूंगा। आप अपने टैलेंट को निखारते रहिए, इसी तरह हमारी शुभकामनाएं। जी न्यूज हरियाणा के दर्शकों क्या कहना चाहोगे? मैं इससे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे लिए स्पेशल आए हो, और इन्होंने तो सम्मानित किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्राइज है कि आप लोग टीवी वालों ने हमें सम्मानित किया, इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात होगी। और हम चाहेंगे कि हम इतनी मेहनत करें कि बार बार आपके चैनल में आते रहे। धन्यवाद।